हिजरी साल का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। ऐसे ही ऐसे ही। और जो इन्फॉर्मेटिव बात मैं आपको बताने लगा हूं, बड़ी अजीब। नबी अलैहिस्सलाम के वक्त में ये महीना था ही नहीं, ना रमजान का महीना। ये नई बात है। जी आप YouTube पर सर्च करें, प्री इस्लामिक कैलेंडर, प्री इस्लामिक ठीक है, कैलेंडर। कैलेंडर उस वक्त वो था। अब इसकी दलील क्या है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जब खलीफा बने तो उन्होंने हजरत अबू मूसा अशरी को गवर्नर मुकर्रर एक किया, मिनट, बना दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मिनट, वो जिब्राइल इस्लाम साहब हमारे साथ ज्वाइन किया, उन्होंने अच्छा। उनकी ऑडियो कनेक्ट हो रही है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, दुआएं जनाब। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी, दुआएं आपकी। सर, मैं तो काफी देर से डिस्कशन सुन रहा था। माशाल्लाह बड़ा जो है वो जबरदस्त चल रहा है टॉपिक। हाँ तो अच्छा, वो एक बात कर रहे थे, कंटिन्यू करें रशीद साहब, फिर ज्वाइन करें आप। हाँ, जी तो हजरत अबू मूसा अशरी ने खत लिखा हजरत उमर को कि आप जो मुरासले या मकतूब भेजते हैं हमें, है मुझे एज ए गवर्नर सल्तनत के मुंह चलाने के लिए, वो मैं रख देता हूँ ऐसे। मुझे पता नहीं चलता कि पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा। जैसे हर जो भी आप स्टेटमेंट किसी को अरसाल करते हैं उसके ऊपर सबसे पहले आप डेट लिखते हैं, ठीक है कि ये कानून इस तारीख से नाफजे अमल है गवर्नर को, एक समरी भेजते हैं उसके ऊपर सबसे पहले तारीख लिखते हैं। तो आप ऐसे करें कि आप ना कोई कैलेंडर तजवीज कर। अब ये देखें उनकी बात, हजरत अबू मूसा शरीफ, कि आप कोई कैलेंडर तजवीज कर। सईदना उमर रजी अल्लाह ताला ने फिर शूरा बुलाई कि भाई ये बात है तो कैसे पता चलेगा, ये तो वो बात उनकी ठीक है, ठीक है। तो वो शूरा में 12 महीनों के नाम तय, ये कैलेंडर नबी अलैहिस्सलाम की रहलत से 7 साल बाद तब्दील हुआ है, जो अभी राय। उस वक्त ये महीनों के नाम थे ही नहीं। आप गौर करें, आप सर्च करें गूगल पे, जाएं आप लिखें प्री इस्लामिक कैलेंडर, फिर सही। आप वीडियोस में जाएं, वीडियोस में आपको फिर वीडियो मिलेंगी कि जिसमें पूरा वाकया बयान है। ये असल में क्लिक हुआ, मैंने यूट्यूब पे ना एक आदमी को सुना कि उस वक्त रमजान का महीना था ही, तो बड़ा शाक लगा कि हैं ये क्या बात कर रहे, कुरान में तो आया है कि हमने इसको रमजान बना दिया, ठीक है। वो कह रहा भाई उस वक्त तो रमजान का महीना था ही नहीं, तो फिर मैं पीछे लग गया इसका, ठीक है। जब पीछे लगा हूं मैंने कहा जगह जगह क़ियामुल लैल लफ्ज आया है, माहे सियाम लफ्ज आया है, ये क्या है? उस वक्त इसको माहे सियाम बोलते थे वो लोग, लेकिन कैलेंडर वही था प्री इस्लाम। फिर ये 7 साल बाद ये कैलेंडर आया है, इसका मतलब है उस वक्त महीने कुछ और थे, इसीलिए अल्लाह ने किसी महीने का नाम ही नहीं दिया। वो जो रमजान आता है ना कुरान में कि हमने इसको रमजान में नाम, तो असल में रमजान का मतलब देखें, ये महीना नहीं आता वहां, मतलब कुछ और है। इसका मतलब होता है जला देने, उसका मतलब है जला देने का, दोबारा बताओ। कि हमने इसको ऐसे मौके पे नाजिल किया जब हर तरफ आग लगी थी, कोई कानून नहीं। देख ले आप तारीख उठा, कुरान उसी वक्त आया जब इंतहा हो गई जुल्म की, बच्चियों को मार देते थे, एक हर तरह की मतलब
जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कानून था उस वक्त। फिर गुलाम, इंसानों को गुलाम बनाया जाए, ये फिर अल्लाह ने फिर कुरान नाज़िल किया, नबी भेजे, ठीक है। तो ये अल्लाह ने उस दौर की निशानदेही की है कि मैंने इसको उस दौर में नाज़िल किया जब आग लगी, ये महीना नहीं है। सही, हाँ महीना। तो फिर मिसाल के तौर पर फिर रजब का भी नाम आना चाहिए। लेकिन चांद के उतार चढ़ाव के साथ तो टाइम जब मैंने कुछ हुआ किस तरह मंजिलें हैं ना, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी, वो तो मंजिलों का के उसके हमने वो उसका जो एक सर्कल है जमीन पे वो उठाया तो सीन का या सीने भी तो है ना वो के मतलब इसमें आप जंग ना करें या जो जंग के लिए चार महीने थे जी। असल में यही तो बात है, यही तो बात है कि किसी आदमी ने जब कैलेंडर 7 साल बाद मुंतखब हो रहा है, बन रहा है, तो वो महीने कैसे आ गए, यही तो सवाल उठता है। कैलेंडर बन रहा है 7 साल बाद जो अभी राय, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, आप ना सर्च करें तो महीनों के नाम ये उस हिसाब से फिर दे रहे हैं। या तो इन्होंने ऐसे किया है कि जब कैलेंडर बन गया, क्योंकि हदीस तो मरतब हुई ना 600 साल बाद जाकर, तो फिर इन्होंने उसी हिसाब से उनको वहां से हटा के वो महीना कर दिया। ये पॉसिबल हो सकता है कि उस वक्त उस महीने का नाम आप लिखें प्री इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है, तो उसमें वो आ जाएगा और ये आएगा विकिपीडिया में आएगा, ठीक है। इसको माह श्याम करो जो आजकल चल रहा है, रोजों को महीने, ठीक है। तो मुझे ये बात ना आज तक बस क्या कहूँ दोहराए पे खड़ा किया, अभी 7 साल बाद कैलेंडर बन रहा है उसका 100% प्रूफ है, और ये महीने जो है उस वक्त की बता रहे हैं। नहीं तो अल्लाह ने वो बातें बयान की हैं जो कायनाती हैं, जो इमरानी, जो कभी तब्दील नहीं, ठीक है। उसके नाम जो है वो आप आगे पीछे कर लो, किसी ने 19 दिन का महीना बना लिया, ठीक है, वो भाइयों के महीना जो 19 दिन का है, साल 19 महीनों का, ठीक है। तो हमने दिनों के नाम हमारे और हैं, हिंदुओं के और हैं, बख्शू के वो जो बुद्ध हैं उनके और हैं, और दुनिया में जो ये यूरोप वाले उनके और हैं, ये तो हमारी तकसीम, उसका इससे लेना देना नहीं है। उसने एक एक वो जो उसने मुकर्रर की है ना, उसका उसने नाम बता दिया जो उसने मुकर्रर, उसको हमने अपने लफ्जों में वो नाम दे दिया, कोई ना आपने कोई दे दिया, मैंने कोई दे दिया, कोई चंद्रमा बोलता है, कोई चांद बोलता है, कोई मून बोलता है। चार महीने जो है जंग वाले जिसमें जंग करना हराम था, ये मतलब पहले या दूसरे सिपारे में ये क्या है फिर? यही तो एक मतलब समझने की बात है कि ये फिर किसने दिए वो 4 महीनों के जो नाम है ना, वो हो सकता है कि वो जो शुरू में आया है उनका नाम उधर वो, तो फिर इन्होंने उसको कन्वर्ट करके इन महीने जो लिखने वाले, क्योंकि ये 600 साल बाद की बात, हदीस तो जितनी भी लिखी गई मुरतब की गई जो है, लिखी गई वो तो 600 साल बाद लिखी गई है ना, उसमें तो नाम फिर वो ही आएंगे जो 7 साल के बाद कैलेंडर आएगा, उसमें तो नाम फिर वो ही लिखेंगे। यानी ये 600 साल कहां 7 साल का, उसमें तो फिर नाम वो ही आएंगे ना, लेकिन हकीकत बात ये है कि उस वक्त ये नाम नहीं थे, बात सिर्फ इतनी, उस वक्त ये नाम नहीं थे। आप खुद सर्च करके देख लो, हकीकत आपके सामने आ गई, उसके बाद फिर देख लें कौन कहां खड़ा है। लेकिन जो अभी हम उसको सर्च भी करेंगे या उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, वो तो 1400 साल बाद की है।
नहीं ये नहीं, बात देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कादियानी है उनके अपने 12 महीनों के नाम है, उनके अपने हैं। अरब जो आप मुझे बता रहे हैं इनका प्री इस्लामिक जो नाम है कैलेंडर है। हाँ जी प्री इस्लामिक कैलेंडर वही 12 महीने इसमें भी हैं, और उनके नाम देख ले आप। हाँ जी 12 महीने उसमें भी हैं। अच्छा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर इसको कहीं कोई बाकायदा रिसर्च करें तो शायद मेरे ख्याल है इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात सिर्फ इतनी है, कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब फिर जमाना कैसे हो गया महीने की जगह। जमाने से मुराद आपकी कि जी हमने कुरान पाक को रमजान के महीने में नाजिल किया। अच्छा जब उस वक्त रमजान था ही नहीं तो नाम कैसे आ सकता, सोचने की बात। इसका मतलब है यहाँ मतलब कोई और है। जब एक चीज का वजूद 7 साल बाद पैदा हो रहा है ठीक है, और मुखातबीन उस वक्त के लोग हैं, उस वक्त तो ये था नहीं, इसका मतलब है कि इसका मतलब कोई और है। या तो उस वक्त रमजान नाम का महीना होता तो फिर तो बनता है ठीक है। अब जब आप जनवरी या फरवरी या मई की बात करेंगे तो इस वक्त तो ये है ना, बिल्कुल। तो आप समझ जाओगे मुझसे आप अगर बात करते हैं कि रशीद साहब अपना मई के बाद जून आने वाला है, जून के फलां तारीख को मैं आऊं, बात मुझे समझ आ गई ठीक है। क्योंकि इस वक्त हम लोग जिंदा हैं, आपस में बात कर रहे हैं ठीक है, और इस वक्त जो चीज राय है हमें समझ आएगी। अब एक चीज का वजूद ही नहीं, वजूद 7 साल बाद पैदा होता है, हाउ कैन इट पॉसिबल कि उसका नाम लिया जाए। तो जो रमजान है यही तो वो जो ऋषि साहब बात कर रहे थे यही के रमजान जो है वो असल में उस वक्त का नाम है, उस वक्त नाजिल किया गया जब चारों तरफ आग लगी हुई थी। अब डिक्शनरी उठाए देखें उसमें रमजान का मतलब क्या है, ये है लफ्ज है रमाजान, रमजान नहीं है ठीक है, रमजान नहीं है लफ्ज, ये रमाजान है। ये एक इल्मी बात हो रही है दिए तो किसी पे इल्जाम नहीं है या मतलब कुछ अपने आप को कुछ साबित करना नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं ये बात है, एक बड़ी अच्छी डिस्कशन है और मैं ढूंढ रहा हूँ इसको, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा आप इसके ऊपर वीडियो भी देखिए वो भी आपको मिलेगा। सर असल में ना मैं मेरा लोग थोड़ा जो है वो रिसर्च से है। हाँ ठीक है आप रिसर्च तो करें। हम लोग हम जो है ना हम उसको फिर रेफरेंस फिर कहाँ तो कैसे और फिर उसमें बड़ा घुस के ढूंढते हैं कि इसकी एटिमोलॉजी और कहाँ से आया है। जी 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 अक्सर अवकात ये जो है ना उस पे यूट्यूब की वीडियो पे रिलाई करना जो है वो नहीं, वो तो खैर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप दूसरे तरीके से बात भी आपके पास वो है। तो 1400 साल बाद की वीडियो बनी हुई है ना। अच्छा ये जो रमजान का लफ्ज है इसका जो ओरिजिन है वो और रमद है जिसका मतलब रमजान रामी बहुत ही बुरी गर्मी और मतलब बड़ा हाँ वही झुलसा देने वाली गर्मी। इसको ये उस वक्त मतलब उतारा गया कुरान जब पूरी दुनिया में ये वाले अमाल हो रहे थे, मतलब गर्मी से यहाँ गर्मी से मुराद यानी फिजिकली गर्मी नहीं है, मानवी गर्मी इस्तलाई, जैसे जब तकसीम हुई इंडिया पाकिस्तान की ठीक है, तो उस वक्त वो दौर जो था वो जला देने वाला, यानी अगर इसको समझना क्या कहर का दौर, हमें वो अरब के हालात पढ़ने चाहिए उस टाइम के कि भाई उधर उस वक्त क्या हो रहा था।
ठीक, यानी 40 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती है, पहली नाजिल होती है वही टाइम पे अरब के हालात। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है जिसपे आगे बड़ा पढ़ने की जरूरत है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि 40 साल क्यों उत्पत्ति है, 35 साल में भी हो सकता है, जी जी 20 साल में भी हो सकता है, नबी तो पदेशी नबी होता है। ये 40 साल क्यों उत्पत्ति है, इसकी वजह क्या है? हालांकि अगर देखा जाए तो वो जो 40 साल से यानी 40वें साल में ऐलान अल्लाह ने करवाया, उससे पहले जुल्म नहीं था, उससे पहले जरूरत नहीं थी, उससे पहले भी तो जरूरत थी ना। बिल्कुल ठीक है, ये 35 साल में क्यों नहीं करवाया, ये 20 साल में क्यों नहीं, ये 25 में क्यों नहीं करवाया? हालांकि हालात तो उस वक्त भी वही थे, इसकी एक टेक्निकल वजह है जिसका आज किसी ना किसी ने सवाल उठाना, उसको जवाब 1400 साल पहले अल्लाह ने दे दिया, क्योंकि वो तो खालक है ना इस फिजिक का। असल में इंसान फिजिक मेंटली मैच्योर उस वक्त होता है जब उसकी उम्र 40 साल, उससे पहले वो मैच्योर नहीं, इमैच्योर होता। उससे पहले वो जज्बात से फैसले करता है और वक्ती फैसलों का, और 40 साल पे कोई ब्लेम नहीं देता किसी ने किसी को, ये आदमी गलत कह रहा है। ये आज की दुनिया की जो मिसाल है ना, वो कहते हैं कि जो साइंस ने प्रूव किया है कि 40 साल में इंसान सही फैसला करे, वो इस हालत में आ जाए। अच्छा, वो जो अरब लफ्ज का तर्जुमा था ना जो आपने किया, मैंने उसको कई काफी ढूंढा, मुझे मिला नहीं, लेकिन अरबी में कुरान पाक नाजिल करने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि अरब जो है उनकी जो मेन स्ट्रेंथ थी उस वक्त वो तो अरबी जबान थी, वो उनकी अरबी जबान थी और वो उनकी ग्रामर वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग, उस पर वो नाज किया करते थे कि जो नॉन अरब स्पीकिंग लोग थे उनको वो अजमी कहा करते थे कि ये इनको कलाम करना नहीं आता, ये गूंगे। मैं आपकी बात समझता हूँ। एक बार हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अनु शेर कहा करते थे, नातिया अशार कहा करते थे नबी, तो एक दफा उन्होंने कोई अशार कुछ कहे तो एक आम औरत ने उठकर 32 गलतियां उस दो लाइनों में से 32 मिस्टेक्स निकाली, पॉइंट आउट की। जी जी जी, कोई किताब आ जाना, और वो भी उन लोगों में जो कि जिनको अरबी जबान पर उबूर हासिल था, और फिर उनको चैलेंज करना कि भाई एक आयत बना कर ले आओ। तो ये इन इटसेल्फ एक डियर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, वहां लफज जो आया है ना वो सिर्फ अरबियन का आया है, लिसानन अरबियन नहीं आया, यही तो काबिल गौर बात। वहां सिर्फ अरबियन आया है, लिसानन अरबियन नहीं आया। जो नुक्ते की बात, ये जबान का लफ्ज हमने ऐड किया, जैसे आवाज आ रही है जी जी। अच्छा, जैसे मैं आपको एक और बात बता, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि तू परिंदों को किस तरह, तू इंसानों को किस तरह जिंदा कर, यही है एक मशहूर वाक्य है जी जी, कि उनसे कहा गया कि तुम 4 परिंदे लो ठीक है, और उनका फिर मतलब उनका गोश्त मिलाओ आपस में, और फिर उनको एक एक मुख्तलिफ पहाड़ पे रख दो और फिर उनको बुलाओ। ये आपने सुना होगा जी जी,
आप कुरान खोल के देखें कहीं भी ये चीज नहीं। उनका कीमा बनाओ, ये आता है कि उनको गोश्त करो। अल्लाह ने कहा है कि तुम उनको सुदाओ, वहां वहां लफ्ज देखें। ये है इसराइली रवाया। हमने यहूद को फॉलो किया है, कुरान का जो लफ्ज है उनको फॉलो नहीं किया। यहूदियों की जो दास्तान है तर्जमा उनका कर, उनसे ले। वहां कुरान खोल के खुद देख लें कि वहां ये कीमा करने का और उनको जिबा करके तो सारा कीमा किया और कीमा करके वहां रखने का कई लफ्ज ही नहीं। वहां सुदाने के लफ्ज है जिनको हम अपनी जबान में टेव करना बोलते हैं, कि जैसे हम तोता नहीं है, तोता बाजार से खरीदते हैं तो फिर उसको किसी तरीके से बोलना सिखाते हैं। तो जब आप तोता बोलता हुआ खरीदने जाएंगे ना तो वो आपसे बोलेंगे ये टेव टेवड है, ये तोता टेवड है, ये सुधाया हुआ है। वहां तो ये लफ्ज ही नहीं। तो तर्जमा हम कर रहे हैं जो तुम उनका कीमा करो, कीमा करके तुम मुख्तलिफ पहाड़ों पे चार पे रखो, फिर उनको बुलाओ तो वो आ जाए। मैं बात ये कर रहा हूं कि जो वहां बयान हुआ है सिर्फ उसका मतलब करो ना। तुम अपने आप से एक ईद खाओ खा उसमें दाखिल किए जा रहे हो जो वहां बयान ही नहीं। गुजारिश का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी तरफ से ना लगाओ, ये हमें इख्तियार नहीं है। अगर वहां लफज चार आया तो उसको 14 ना बोलो, 4 ही बोलो। ये है मेरा गुजारिश करने का मकसद। यानी किसी के ऊपर अटैक करना या किसी के मतलब ये नहीं है। नहीं, मैं ये तो आप आपने और बड़ा इसको सोचने का एक और एंगल से मैंने इसको एक तलाश जगा दी आपने। ये अगर आप जो वहां लिखा है ना, अगर वहां पढ़ेंगे इस तरीके से आपके ऊपर एक नई दुनिया आश्कार हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता। और फिर आपके ऊपर वो चीजें खुलेंगी, ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा ये होने वाला, ये भी गारंटी है मेरी तरफ से। पता ना ये होने वाला है, ठीक है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और ये बात मेरी अफजल भाई आपके साथ अक्सर हुई। के यार आज ना अफजल का फोन आएगा, मैं वो ना रस्ते में होगा, जो अभी घर आ गया होगा, अभी मुझे ठहर के फोन करेगा, ये क्या फोन तो आया 6 महीने बाद। उस दिन क्या हो रहा है अभी, ठीक है, सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते आंखों की गिनाई चली, सैयदना यूसुफ से बहुत प्यार था ना। एक दिन वो कहने लगे अपनी औलाद से कि अगर तुम ये ना समझो, ये लफ़्ज़ सुनिएगा, कि बूढ़ा आ गया हमारा बाप सठिया गया है, तो मुझे आज यूसुफ की खुशबू आ रही है। अगर तुम ये ना समझो कि हमारा बाप सठिया गया है, ठीक है, तो मुझे आज यूसुफ की खुशबू आ रही। और ये बात थी भी है, उन्होंने अपना कुर्ता भेजा था बिन्यामीन के यहाँ अपने भाई के, वो करीब ही थे वो करीब ही थे, और कुछ देर के बाद फिर वो कुर्ता लेके आ गए कि यूसुफ तो जिंदा है, ये कुर्ता भेजा है, ठीक है। तो ये इस तरह के ना फिर आपके साथ वारदात होनी शुरू हो, हम अपनी जमाने में वारदात बोलते हैं ना, आप समझते हैं, ये फिर वारदातें शुरू हो, ये फिर इसकी समझ में भी नहीं होती ये हो क्या रहा है।
किधर से हो? ये तल्लक हो जाता है ना तो फिर वो भी नहीं जाता है। ये कोई डेफिनेट बात नहीं है, मतलब ये है कि ऐसा अक्सर होता है। मैंने देखा वो भूखा आदमी गया अगर अपने मिश्र के पास, वो जो बोल रहा है वो खुद बयान कर मेरे उस्ताद कह रहे मैं भी साइकिल से उठ के चला ही उनकी तरफ, वो भी दूर थे। ओ मास्टर उन्होंने रोटी को एक और बात वादा भी मिला नहीं, उनसे इजहार नहीं किया मुझे, ठीक है इधर से जनाब आवाज दिया ऑर्डर दे दिया। साथ का एक दोस्त है अली अब्बास, लाहौर में होता है, जिनकी किताबें भी जी, वो 3 दिन का भूखा था। हाँ इतफाक देखें आप, हाँ कि वो मलेशिया से आया, मलेशिया से ना श्रीलंका से आया और वहां पर वो कोई कोर्स कर रहा था, खैर वो बात की है, तो उससे वो भाग के आया था उस कोर्स से, और वो अच्छा। 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था। यहाँ इस्लामाबाद की उसकी फ्लाइट मिली, उसको उसने इमरजेंसी में फ्लाइट ली और यहाँ से वो जा रहा था लाहौर जाना था उसने, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पर स्टे आपको करना पड़ेगा, तो उसने बोला जब 8-10 घंटे का स्टे था उसका, तो उन्होंने बोला कि ये स्टे कर रहा है तो मैं क्या करूंगा वहां कराची में। तो उसको अचानक से ख्याल आया, उसने साथ को फोन किया कि यार मेरा 10-11 घंटे का स्टे है यहाँ, तो आप मुझे एयरपोर्ट से आगे ले। खैर अच्छा चलग साथ के उसके साथ जाके ले आया, और जब उतरे है ना तो साथ ने बोला खाना खाना, कह रहे नहीं यार खाना नहीं खाना, लेकिन वो बाद में उसने एक कॉलम भी लिखा था जिसमें लिखा था कि मैं 3 दिन से भूखा था, मैंने कुछ नहीं खाया था, और वो साथ अच्छा। को कहता कि अब किधर चले, वो कह रहा यार कहीं भी ले चलो, उसने कहा चलो बाबा जी के पास चलते। वो एयरपोर्ट से लेके सीधा बाबा जी के पास चला गया, गालबन पीर का दिन था, मैं भी वहां मौजूद था। तो वो जब वहां पहुंचा ना रात को कोई 9-10 बजे या शायद संडे था, पर दिन मुझे याद नहीं है, वो पहुंचा तो वो सीधा वहां ले गया। तो जैसे ही जाके बैठा है ना, बाबा जी कहते हैं कि जाओ अंदर से खाना लेके आओ इसके लिए। वो क्या बोल लगा दी आपने, उसने बाद में मैं इसलिए कह रहा था कि उसके बाद उसने कहा, उसने एक अखबार में कॉलम अपना लिखा था जिसमें लिखा था कि मुझे समझ नहीं आती इनको कैसे पता चल जाता है कि जो इनके पास आया है वो भूखा है। और कह रहा मैंने वो प्रात के अंदर हमारे यहाँ देते हैं वो लंगर डाल के, तो कह रहा वो पूरी 2 प्रातें खा गया और कह रहा था मुझे भूख नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस रहते हैं, असल में इन एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सा जुड़ना पड़ता है, वक्त मांगते हैं। हाँ, ये चीजें वक्त मांगते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ना, बुजुर्ग कहते हैं ना कि 20-21 साल बाद आपको रम्ज मिलती है एक, जिससे आपका फिर आगे आप शुरू होते हो, वो भी आपके अखलास के साथ बड़ा ताल्लुक है उसका, कि आप में अखलास कितना है।